इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में तो काफी पढ़ा है, पर आजादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं काम्या जानी आपको उन जगहों पर लेकर जाना चाहूंगी जो हमारे हिस्ट्री के पेजेस को एक बहुत ही मीनिंगफुल अप्रोच देगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी हमारे पास्ट के उन लैंडमार्क्स को जो ना सिर्फ खूबसूरत है बट ऑल्सो आपको दिल से देसी वाली फीलिंग देगा। मैं आई हूँ दिल्ली में इंडिया के फर्स्ट वॉर मेमोरियल में, जो डेडिकेटेड है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वेलकम टू नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। द नेशनल वॉर मेमोरियल स्टैंड्स प्राउड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली। तो ये है अमर चक्र जो दर्शाता है हमारे अमर जवानों की अमृता। This was built in the year 2018 और इस साल ये मना रहे हैं 3rd anniversary। यहाँ का माहौल देखकर मुझे वाकई में अपने देश और देश के काबिल सोल्जर्स पर दोबारा गर्व हुआ and it evoked such a deep pride within me। I was lucky कि मुझे ये नज़ारा देखने का मौका मिला। हर शाम यहाँ चेंज ऑफ गार्ड्स की सेरेमनी होती है टू पे ट्रिब्यूट टू आवर अनसंग हीरोज। This is such a wonderful experience and change of guard is one ceremony that you definitely don't want to miss. Captain Vikram Batra, अब इन्हें कौन नहीं जानता। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास ही ये गार्डन है, परम योद्धा स्थल, अ ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ 21 स्टैचूज है उन ब्रेव मेन की जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। अब चलते हैं उस जगह पर दैट आई डिडंट इवन नो एग्जिस्टेड। सो आई एम एट नेशनल पुलिस मेमोरियल एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस प्लेस। यहाँ पर जितने शहीद पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं उन सब का नाम लिखा हुआ है ऑन द वॉल। यहाँ एक 30 फीट टॉल स्टील या स्कल्पचर है दैट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ, डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ आवर पुलिस फोर्स। हर वीकेंड की शाम यहाँ बैंड डिस्प्ले, परेड और रिट्रीट सेरेमनी होती है। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। यहाँ म्यूजियम में इंडिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी। वाओ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दैट दिल्ली हैज सच अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सो दिस इज डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर विच इज डेडिकेटेड टू द मैन हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3.25 acres में फैला हुआ सेंटर बिल्ड किया गया है टू कंडक्ट पॉलिसी रिव्यूज, रिसर्च एंड एडवोकेसी। इस सेंटर का फोकस है टू रिड्यूस सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, बड़ी सी लाइब्रेरी है विच हैज ओवर 10,000 बुक्स एंड अ ह्यूज ऑडिटोरियम विद कोट्स फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एम्बेडेड इन द कॉम्प्लेक्स। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स यू डाउन इंडियन हिस्ट्री। दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल भी है जहाँ बाबा साहब खुद रहा करते थे। इट इज डिजाइंड टू लुक लाइक द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आप बाबा साहब का घर और उनकी लाइफ में एक झलक पा सकते हैं। दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट फॉर इंडियन हिस्ट्री लवर्स। रेड फोर्ट यानी लाल किला, अब इसके बारे में किसे नहीं पता। और लाल किला की नई बात ये है कि यहाँ 4 नए म्यूजियम बने हैं जिसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन द ईयर 2019। सो व्हाट आर दीस म्यूजियम्स ऑल अबाउट, जॉइन लॉन्ग। तो इस म्यूजियम का नाम है आजादी के दीवाने। इट्स अ कंप्लीटली डिजिटाइज्ड म्यूजियम, बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है।
दीवारों पे बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स डेडिकेटेड है उन अनसंग हीरोज को who may not have made it to the history books but have played a huge role in the independence of India. Let's go to Yaad-e-Jallian Museum, which is a magnificent engineering marvel जो विजिटर्स को जलियांवाला बाग मैसेकर का एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देता है। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। ये म्यूजियम डॉक्यूमेंट करता है नेताजी की महान कहानी को स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टिल द फ्रीडम स्ट्रगल। सो दिस इज द दृश्य कला म्यूजियम। ये म्यूजियम शोकेस करता है इंडियन आर्ट और कल्चर को जो 3 सेंचुरी से चलता आ रहा है विद एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ ओवर 400 आर्टवर्क्स। दिल्ली से दूर अब चलते हैं अमृतसर की ओर टू द न्यूली रेनोवेटेड जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में तो बहुत पढ़ा है बट यहाँ आकर आई रियलाइज व्हाट अ ड्रेडफुल इवेंट दैट वॉज। ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे हजारों इंडियंस पे ऐसे गोलियां चलाई, यहाँ पे खून की नदियां बह रही थी। There were bodies stacked up one above the other. As you can see, there's a well right there. There's also a wall where you can see all the bullet marks. And now, Jallianwala Bagh has been converted into a Jallianwala Memorial Complex, where there are 4 galleries where you can know a little more about the history. And aap mere peeche jo dekh rahe hain, that is the flame of liberty, signifying the flame that is still alive in all our hearts for those who lost their lives on the deadly massacre that happened at Jallianwala Bagh. चलते हैं हम उस स्टेट में विच इज प्लेड अ वाइटल रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये वही जगह है वह गांधी जी लिव्ड विद हिज वाइफ साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात। फ्रीडम मूवमेंट के 2 बहुत ही रेनाउंड मूवमेंट यहीं से शुरू हुए थे, द डांडी मार्च एंड द सॉल्ट सत्याग्रह। इसी आश्रम में बैठकर गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अहमदाबाद से कुछ घंटे दूर लेट्स गो टू केवड़िया। वेयर डू यू थिंक इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड? अमेरिका, लंदन, फ्रांस? इट इज इन इंडिया। वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज इन केवड़िया, जो अहमदाबाद से और वडोदरा से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एक 597 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वही नेता है जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनाइट कर इनका यूनियन बनाया, और आज ये स्टैच्यू उन्हीं को डेडिकेट करता है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। गुजरात और मेनलैंड इंडिया से कहीं दूर अब चलते हैं अंडमान की ओर। वेल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द डार्केस्ट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस इज सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं। और ये जेल बिल्ड हुआ था सिर्फ एक ही मकसद से, उन फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करना जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे। सेल्यूलर जेल एक मैसिव 3-स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसकी 7 विंग्स है। इसका आर्किटेक्चर वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंसिल्वेनिया सिस्टम और सेपरेट सिस्टम थ्योरी। यहाँ 700 सेल इस तरह से बनाए गए थे कि कभी कोई एक कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके, एंड दैट्स वाई द नेम सेल्यूलर जेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द सॉलिटरी सेल्स। इसे काला पानी की सजा भी कहते हैं।
सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है विद द बाउंड्रीज ऑफ एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ दूर दूर तक समंदर है, किसी भी प्रिजनर के लिए यहाँ से निकल पाना आसान नहीं था, और अगर वो निकलना चाहे तब भी इस समंदर में डूब जाए। में जब इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे, उस आवाज को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडियंस को जेल में डालने लगे और उन्हें ब्रूटली मारने लगे। जब इंडियन जेल्स भर गई तब उन्होंने सोचा, फार फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया, लेट्स क्रिएट अ पीनल कॉलोनी, एंड दैट्स हाउ रॉस आइलैंड वॉज डिस्कवर्ड। Ross Island has now been renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Island in the year 2018 by the government of India. ये थी आजादी से जुड़े कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस जो हम सबको विजिट करने चाहिए टू पे ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल आवर ब्रेव हीरोज, जिनकी वजह से आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करते हैं हर घर तिरंगा।